कि आज जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनियन यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एक डिमांड ऑफ चार्ट कि जम्मू कश्मीर के तमाम महकमों में जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं आज ये कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स, मांगों का ज्ञापन जो है जम्मू रियासी सांबा से जो माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी उनसे मुलाकात की और मांगों का ज्ञापन जो है वो उनको सौंपा गया, जिसमें जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो पहली डिमांड है जो हरेक कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स जानता है और लगातार हमारी 6 साल से ही हम उसके ऊपर संघर्षरत हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स उन तमाम वर्कर्स के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 94 के बाद एज ए कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स जो है अलग अलग महकमों में जो है अपॉइंट किए गए हैं और सेवाएं दे रहे हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। पहली हमारी यही डिमांड थी कि चाहे महकमा जलशक्ति पीएचई पीटीडी म्यूनिसिपलिटी टूरिज्म फॉरेस्ट एग्रीकल्चर सेरिकल्चर फ्लोरिकल्चर या किसी और दीगर महकमे फॉरेस्ट फिशरीज महकमा या किसी और महकमे जिसका मैं नाम ना भी ले सकूं, जितने भी तमाम महकमों में अलग अलग सेवाएं जो है मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी दे रहे हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। जिस प्रकार से 94 से पहले एसआरओ 64 के तहत 7 साल का पीरियड पूरा करने के बाद डेली वेजर को रेगुलराइजेशन के दायरे में लाया जाता था, उसी प्रकार से 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स लगाए गए हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलराइजेशन का दायरा बनाया जाए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी डिमांड थी। उसके साथ ही हमारी दूसरी डिमांड थी कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर एक यूटी के रूप में कन्वर्ट किया गया है तो जम्मू कश्मीर के यूटी में जितने भी वर्कर्स हैं मिनिमम वेजेस एक्ट जो अलग अलग दीगर यूटीज में जो है वो लागू किए गए हैं वो जम्मू कश्मीर में भी जो है वही जो है मिनिमम वेजेस जो एक्ट है वो रेट्स जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू की जाए। उसके साथ हमारी तीसरी डिमांड थी कि जितने भी वर्कर्स किसी भी महकमे में जो सेवाएं दे रहे हैं और जो प्रॉपर तरीके से मंथली वेजेस प्राप्त कर रहे हैं उन तमाम वर्कर्स को जो है एक इंश्योरेंस का दायरे में लाया जाए, जिस प्रकार से पहले एक इंश्योरेंस बनाया गया था और जिसमें अगर कहीं डेली वेजर कैजुअल लेबर्स को कहीं कुछ हादसा जो है वो पेश आता तो कम से कम जो है उन्हें 10 लाख का जो है इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो रखी जाए और हर एक वर्कर्स को उस इंश्योरेंस का फायदा मिले। और उसके साथ हमारी ये डिमांड जो थी कि जितने भी डेली वेजर किसी भी महकमे में अगर ऑन ड्यूटी जिसकी डेथ हो जाती है कि उसके परिवार से किसी उसके परिवार से उसके बच्चे को या उसके घर से जो है उसी स्थान पे नियुक्त किया जाए ताकि उस डेली वेजर के घर का चूल्हा ठंडा ना पड़े। मैं आपके माध्यम से कई जगह मुझे डेली वेजर्स जिनकी डेथ हुई उनके घर जाने का अवसर मिला और मैं वहां उनके परिवार में पहुंचा तो वहां की सिचुएशन देख के मैंने इस तरह से महसूस किया कि ये डिमांड जो है वो हमारे डिमांड ऑफ चार्ट में जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई डेली वेजर्स के घर का जो है वो चूल्हा ठंडा पड़ गया है, ना सरकार की तरफ से कोई प्रोसेस था। इसीलिए इस संजीदगी के साथ इस डिमांड ऑफ चार्ट में ये डिमांड रखी गई है कि अगर डेली वेजर कहीं जो है कैजुअल लेबर्स अपनी सेवाएं देते उसकी डेथ हो जाती है उसके परिवार से भले ही डिमांड हम तो चाहते थे कि रेगुलराइजेशन के दायरे में ला करके उसे जो है राहत दी जाए, अन्यथा नहीं तो कहीं ना कहीं जो है उसी दायरे में जिस प्रकार से वो डेली वेजर कैजुअल लेबर सेवाएं दे रहा था उसी उसकी जगह पे जो है उसके बेटे को या उसकी घरवाली को जो है नियुक्त किया जाए। और उसके साथ हमारी ये डिमांड थी कि जितने भी डेली वेजर अगर कहीं 60 साल उम्र पूरी हो जाने के बाद जो खाली हाथ घरों को लौटा दिए जाते हैं उन तमाम वर्कर्स को भी जो है उनके परिवार से अगर 60 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके घर का चूल्हा ठंडा ना पड़े, इसलिए उसकी चाहे पत्नी हो या उसका बच्चा हो कहीं ना कहीं जो है सरकार उसके परिवार को राहत देने के लिए उसी स्थान पे जो है उसके परिवार से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे। ये हमारी डिमांड थी। और उसके साथ हमारी ये डिमांड है कि जितने भी वर्कर्स अलग अलग महकमों में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं
उन तमाम वर्कर अगर कोई 60 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है तो कम से कम उसे 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उसके परिवार को देकर के जो है राहत उस परिवार को मिले और उस व्यक्ति को लगे कि भले ही मैंने कैजुअल लेबर्स डेली वेजेस तौर पे भी सेवाएं दी है लेकिन कम से कम मैं 10 लाख का कंपनसेशन अपने परिवार को जो है मिले और उस परिवार को राहत पहुंचे। और उसके साथ साथ एक पेंशन स्कीम जो है सरकार की तरफ से बनाई जाए कि जो लोग निरंतर सेवाएं देते हैं अगर कैजुअल लेबर 7 साल के बाद रिटायर हो जाता है तो कम से कम सरकार जितनी उसको वेजेस लेता है उसके हाफ रेट में उसे जो है मंथली मंथली सरकार पेंशन स्कीम के माध्यम से एक डेली वेजर के परिवार को या डेली वेजर को जो है राहत दी जाए। तो ये चंद एक जो डिमांड्स हमने जो है आज इस ज्ञापन में जो है जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट ये इस ज्ञापन का जो है इस बैनर के तले जो है ज्ञापन सौंपा गया है।